सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। दोनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आ गई। भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पिताजी को यह बात रास नहीं आई हो, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके तमाम विरोध के बाद भी अपने धुर विरोधी मायावती के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए उससे अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा। अखिलेश अपनी और अपने पिता मुलायम की सीट तो बचा सके, लेकिन खानदानी सीटें अखिलेश ने गवा दी। इस गठबंधन में मायावती को सीधे सीधे फायदा मिला। 0 से 10 सीटों पर मायावती खिसक गई, लेकिन अखिलेश 5 पर सिमट गए। अब इन परिणामों के साथ ही दोनों ही दलों में आपसी टकराव शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टी के नेता बता रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और अंदर खाने अब बुआ और बबुआ में वोटों और सीटों को लेकर जंग छिड़ गई है। क्योंकि अखिलेश यादव अपना वोट मायावती पर तो ट्रांसफर करवा पाए, लेकिन मायावती का वोट अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर नहीं आया। पूरे इलेक्शन का गुणा भाग निकालने के बाद घाटे में अखिलेश यादव की पार्टी रही। बस फिर क्या था, पार्टी के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई और दबे पांव नेता ये बात बोल रहे हैं कि मायावती से गठबंधन कर समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, लेकिन मजबूरन उनको अब इकट्ठा रहना पड़ रहा था। यह बात दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजर रही थी और अब यह लड़ाई अंदर खाने शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि बुआ और बबुआ की लड़ाई सामाजिक मंच पर कब तक आती है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए खबर इंडिया 7 को।